Hello everybody, welcome to Mamata Bedi classes. Today we will read a new poem, Stars Speak to Men. Okay, this is awakening poem and it is written by Abdul Ahad Azad. Okay, what poet says about this poem? He says, as the crown of creation, man's duty is to watch over the boundaries of nature and share them equitably. पोएट कहते हैं कि सबसे सर्वोत्तम क्रिएशन होने के कारण तो मैन की ड्यूटी थी कि वो जो नेचर की बाउंड्रीज हैं, जो नेचर ने उसे ट्रेजर दिया है, तो उसको इक्वली शेयर करता विद अदर्स लिविंग थिंग्स. बट इट इज़ अ पिटी दैट हिज कैलसनेस, इनसेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस आर लीडिंग हिम इनटू अ स्टेट ऑफ एपैथी. लेकिन पोइट कहते हैं कि बड़ी दुख की बात है कि उसकी जो कैलसनेस है, कैलसनेस होती है कठोरता, इनसेंसिटिविटी होती है असंवेदनशीलता, और अवायरस होता है लोभ, ठीक है, लालच. तो उसे लेके जा रहा है द स्टेट ऑफ एपैथी. एपैथी होता है उदासीनता. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी अवॉइडेड बाय लव, काइंडनेस एंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग मैन बिफोर इट इज टू लेट. और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मानवता के विनाश को लोगों के मध्य एकजुटता की भावना, ठीक है, यूनिटी होती है एकजुटता की भावना, लव मीन्स प्यार, ठीक है, और काइंडनेस होती है दयालुता, तो इनकी लो को दोबारा जलाना और उसको तभी हम भगा सकते हैं, ठीक है, उसको दोबारा स्पिरिट को उनके अंदर दोबारा से अगर हम जला सकते हैं, यूनिटी की जो स्पिरिट है, ठीक है, काइंडनेस एंड लव की जो भावना है उसको अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तभी हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो हमारी मानवता का विनाश हो जाएगा. ओके, दिस इज अवेकनिंग पोइम. ओके, व्हाट पोइट सेज, वी विल रीड वन बाय वन लाइन एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. ओके, You were the light of reason, but you chose to be fire, O man. You put humanity to disgrace. How callous of you, O man. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हे मनुष्य, यू वर द लाइट ऑफ रीजन, तुम तो विवेक और बुद्धि के प्रकाश थे, बट यू चोज टू बी फायर, लेकिन तुमने तो चुना आग बनाना. ओके, कि आज के टाइम में जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि तुम्हें तो सृष्टि का सृजन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन तुमने तो उसका विनाश करना चुन लिया. यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, डिसग्रेस होता है कलंकित करना, तुमने तो मानवता को कलंकित कर दिया. हाउ कैलस ऑफ यू ओ मैन, कैलस मीन्स कठोर. तो पोइट कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कितने कठोर हो. नेचर हैड फैशन्ड यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन. ओके, यहाँ पे पोइट कहते हैं कि कुदरत ने तुम्हें बनाया था अपोर्शन, अपोर्शन होता बांटना, लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह बांटने के लिए, बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड. लेकिन इसकी जगह पर प्यार और स्नेह बांटने की बजाय, बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ, तुमने धर्म और विश्वास को खरीदना और बेचना चुन लिया. नेचर हैड थ्रोन ऑल ट्रेजर टू यू, कुदरत ने सारे खजाने तुम्हारे लिए खोल दिए. यू हैड टू शेयर देम इक्विटेबली, और तुम्हें इन्हें बांटना था इक्विटेबली विद अदर लिविंग थिंग्स, बट यू सेट सर्पेंट लाइक ऑफ देम. सर्पेंट होता है सांप, लेकिन तुम तो उस पर सांप की तरह बैठ गए, जैसे सांप बैठता है ना खजाने के ऊपर, पैसों के ऊपर, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे पोइट को कंपेयर किया गया है सर्पेंट की तरह, कि तुम तो सारी चीजों के ऊपर एक सांप की तरह खुद का अधिकार करके बैठ गए. वन वर्ल्ड वन मैनकाइंड एज क्लोज टू वन एनदर एज द नील टू द फ्लैश. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हमारा एक ही संसार है, एक ही मानवता है, जैसे नाखून के साथ मांस जुड़े होते हैं, तो वैसे ही ये दोनों चीजें, हमारा जो वर्ल्ड है और मैनकाइंड है, आपस में जुड़ी हुई हैं. हु देन इग्निटेड द फायर ऑफ डिविजन एंड ड्यूअलिटी इन योर माइंड.
तो यहाँ पे पोइट क्वेश्चन करते हैं कि फिर तुम्हारे अंदर किसने जलाया, इग्निटेड होता किसने जलाया, डिवीजन, बंटवारा और द्वैतवाद का जो आग थी तुम्हारे दिमाग में किसने लगा दी। यू पोज टू बी पिलर टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्म विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर आइदर। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि तुम पोज करते हो, पोज में दिखावा करना कि तुम धर्म और रिलीजन के पिलर हो, स्तंभ हो, दूसरों की परवाह किए बिना। सीइंग योर शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू लेमेंट। लेमेंट होता है विलाप करना, इट मींस टू क्राई। ओके, तो पोइट कहते हैं लेकिन तुम्हारे शेमफुल का जो डीड्स हैं, शर्मनाक जो कृत्य हैं, उनको देखकर मानवता भी विलाप कर रही है। शुड मैनकाइंड एवर ओन एंड प्रोफेसर अ रिलीजन एंड फेथ। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि क्या मानव जाति को कभी स्वीकार करना या मानना चाहिए ऐसे धर्म को और ऐसे विश्वास को जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। विच परवर्ट असेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इनटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर। हियर पोइट अगेन आस्क क्वेश्चन टू ह्यूमन। ओके, वो क्या कहता है कि विच परवर्ट द असेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इनटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर। वो ऐसी कौन सी चीज है ना, जिसने मनुष्य की मूल एकता को अलग कर दिया विभाजन और अव्यवस्था में। डिसऑर्डर होता अव्यवस्था और डिवीजन होता विभाजन, कि जो मानवता की यूनिटी थी, कि मानव समझता था कि जो सारी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या हैं, यूनाइटेड हैं, तो उस भावना को किसने डिवाइड कर दिया। इस सारे जो चीज ऑर्डर में चल रही थी, वर्किंग हो रही थी, उसको डिसऑर्डर अव्यवस्थित किसने कर दिया। टू मिसचीफ एंड डिस्टर्बशन यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियटिज्म। तुमने अपनी गलतियों को और डिस्ट्रप्शंस बोल सकते हो आप, विघटन या जिसको आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन, है ना, तो जो भी विनाश हो रहा है या फिर तुम्हारी जो गलतियां हैं, तुमने उसे धर्म का और देशभक्ति का नाम दे दिया। दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज अ स्टपिफाइंग हैंगओवर। और जिसे तुम अवेकनिंग बोल रहे हो, जिसे तुम जागृति बोल रहे हो, वो एक्चुअल में एक बहका देने वाला नशा है। ठीक है, जैसे कोई नशा कर लेता है ना तो वो बहक जाता है, तो उसी तरह से जिसे तुम जागृति बोल रहे हो कि हम अवेक हो गए हैं, तो वो अवेकनिंग नहीं है, वो स्टपिफाइंग हैंगओवर है, कभी ना टूटने वाला नशा है जिसे करके तुम बहक गए हो। योर ओन मिसडीड्स हैव डिल्यूडेड यू एंड टू ग्रम्बल अगेन फेट। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि तुम्हारे खुद के जो काम है ना, जो मिसडीड है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन तुम ग्रम्बल कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो किस्मत पर कि किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन तुम्हारे जो भी तुम्हारे साथ एट द प्रेजेंट हो रहा है वो सब तुम्हारा रिजल्ट है ऑफ योर मिसडीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मिसडीड्स का मतलब जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी भी डिजीजेज हैं, जितना भी जो नई नई बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, वो किसके कारण हो रही हैं, जो ह्यूमन बींग की जो भी रिसर्च की हैं, डिस्कवरीज की हैं, उसके कारण। ओके, और इंसान दोष किसको दे रहा है, फेट को, अपनी किस्मत को। स्टिल परसुइंग द हैकन्स वे हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अभी भी चलते हो तुम, पुराने ही रास्तों पर चले हुए हो, लेकिन फिर तुम पार कैसे लोगोगे, है ना, फेरी अक्रॉस तक पार कैसे लोगोगे, जब तुमने अपने डिडंट मैंड योर वे, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो तुम फिर पार कैसे लोगे, तुम किनारे तक कैसे पहुंचोगे। योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग योर विजन क्लाउडेड बाय फैंटेसीज। अब पोइट कहते हैं कि तुम्हारा जो हार्ट है, जो तुम्हारा मन है, वो रेस्टलेस बोल सकते हो, बेचैनी, है ना, बेचैनी से धड़क रहा है। योर विजन क्लाउडेड बाय फैंटेसीज, और तुम्हारी जो विजन है, जो दृष्टि है, वो कल्पनाओं से धुंधली पड़ी हुई है ना, फैंटेसीज होती हैं कल्पनाएं, तो तुम्हारा जो विजन है, जो तुम्हारी दृष्टि है, वो कल्पनाओं से क्लाउडेड में धुंधली हो चुकी हैं। एंड दिस इज अ फैंसीफुल ड्रीम, और जिस दुनिया में तुम रियलिटी में रह रही हो ना, ये एक क्या है, फैंसीफुल, एक काल्पनिक सपना है। नाउ वेक अप ओ मैन, वेक अप। पोइट दोबारा से यहाँ पे कहते हैं कि हे मनुष्य जाग जाओ, अभी भी नींद से जाग जाओ, इस सपने से जाग जाओ। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर्ड योर वो लाइक पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे, जो तुम्हारे मेट, जो सगे संबंधी हैं, है ना,
हु शेयर योर वो होता है दुख या तकलीफ, जिन्होंने दुख में तुम्हारे दुख या सुख को शेयर किया, बांटा, लाइक पार्ट ऑफ योर ओन हार्ट, तुम्हारे दिल के किसी हिस्से की तरह, हाउ कुड यू टियर देयर हार्ट्स टू पीसीज, तो तुम अपने भाई बहन सगे संबंधियों का जो दिल है ना, जो उनका हार्ट है, उसको पीसीज में कैसे डिवाइड कर सकते हो, तुम उसे कैसे बांट सकते हो, यू ब्लड थर्स्टी मैन। अब यहाँ पे पोइट मैन को कहते हैं ब्लड थर्स्टी, खून का प्यासा हुआ, ठीक है, खून का प्यासा मानव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही आज के टाइम में जो हर एक पर्सन है वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है ना, एक दूसरे को नीचा गिराकर खुद उठना चाहता है, वो वॉर्स में विश्वास रखता है ना, फाइट में विश्वास रखता है, वो पेशेंस में विश्वास नहीं रखता है। सो पोइट कॉल्ड अ मैन ब्लड थर्स्टी। ओके, इन योर ओन गार्डन यू कट द रूट्स वाइल वॉटरिंग टिक्स एंड लीव्स। अब पोइट कहते हैं कि तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि जैसे किसी गार्डन में किसी पौधे की जड़ें काट दी जाएं और उनके ट्विग्स को, उनके टहनियों को, उनके पत्तों को पानी दिया जाए, तो तुम भी वैसे कर रहे हो। यू आर इन योर ओन गार्डन यू कट द रूट्स, तुम अपने पेड़ों की जड़ें काट रहे हो वाइल वॉटरिंग ट्विग्स एंड लीव्स, और ट्विग्स एंड लीव्स को पानी दे रहे हो, तो क्या होगा, क्या वो प्लांट कभी ग्रो कर पाएगा? नहीं। अगर किसी पौधे की जड़ें काट दी जाए तो जितना मर्जी आप उसको वाटर दे दो, सनलाइट दे दो, तो वो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर सकता, है ना। योर ओन होम यू रैंसैक एंड रेविज एंड टियर अपार्ट। अब पॉइंट कहते हैं लास्ट लाइन में कि तुम अपने ही घर को लूट रहे हो, रैंसैक होता है लूटना, एंड रेविज एंड टियर अपार्ट, और रेविज होता है उजाड़ना, है ना, और उसे ही उजाड़ रहे हो और उसे ही डिवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पर मतलब है पोइट का, डिवाइड करने का मतलब है जैसे आपने, आपको पता होगा कि जैसे जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं, कंट्री डिवाइड हो रही है ना, डिवीज़न हो रही है, तो यहाँ पे पोइट जो है उस डिवीज़न को रोकना चाहते हैं, जो भी वॉर्स हो रही हैं, बैटल्स हो रही हैं, है ना, उनको वो बंद करना चाहते हैं, उस डिस्ट्रक्शन को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्शन होगी तो दैट विल कॉज टू ह्यूमैनिटी, है ना, तो उससे किसको नुकसान होगा, ह्यूमैनिटी को होगा। तो ये क्या है, हमारी एक अवेकनिंग पोएम है। यहाँ पर पोइट जो है लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, आज के टाइम में जो उन्होंने तरक्की की है वो उसको तरक्की नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, स्टपिफाइंग हैंगओवर, जो एक नशा, नशे से इंसान बहक जाता है ना। तो पोइट कहते हैं कि हमें वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ पीस एंड अहिंसा, है ना, और हमें क्या करना है, वी विल लीड आवर कंट्री टू द वे ऑफ प्रोग्रेस। ओके, तो हमें एक प्रगति के पथ पर जाना है और हमें इन चीज़ों को स्टॉप करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम एंड द थीम ऑफ द पोइट, व्हाट ही वॉन्ट्स टू से। ओके, विद द होप ऑफ न्यू वीडियो, I am going to stop this video and we will meet in next video. Till then, take care. Bye-bye.